भिंड विधानसभा के बाढ़ प्रभावित गांवों में पटवारियों ने घूस लेकर गलत सर्वे का आरोप ग्रामीणों ने लगाया। इस पर बसपा पार्टी के सदर विधायक संजीव सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर चेतावनी देते हुए ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि मामला भिंड जिले के टेहनगर जखमोली ककहरा के साथ कई बाढ़ प्रभावित गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पटवारियों के नेतृत्व में जो सर्वे किया है उसमें नुकसान होने वाले पीड़ितों को सिर्फ 5,000 की मदद पहुंचाई गई, वहीं जिनका नुकसान नहीं हुआ उन्हें 95,000। इस पर विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने कहा कि भिंड कलेक्टर के पास पहुंचकर SDM को ज्ञापन सौंपा है। इसमें कहा गया कि 7 दिन के अंदर यदि इन गाँवों में दोबारा से निष्पक्ष सर्वे नहीं किया जाता तो वो बड़े आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश स्तरीय बसपा नेता दिलीप बौद्ध, जिला अध्यक्ष सुनील बघेल के साथ कार्यकर्ता ग्रामीण मौजूद थे। बाढ़ से पूरा घर नष्ट होगा, क्या मुआवजा नहीं मिला? 8,000 रुपया पूरा घर नष्ट हो, 8,000 रुपया क्या लगता है? अब मिलेंगे नहीं, मना कर दी तहसीलदार साहब ने कि हो गया तो हो गया, कहीं भी चले जाओ। अभी कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जो जिनका नुकसान नहीं हुआ था उन्हें 95,000 मिले। हाँ मिले, हमारे गाँव में भी मिले। क्या रिश्वत लेके कम किए? अब रिश्वत तो लिए, ऐसे कैसे मिला? उनका कुछ नहीं गिरा, उनको 95,000 रुपये मिले, हमारे बिल्कुल 2-3 घर छोड़ गए। सभी तरह मैंने कहा है कि सभी जो गांव हैं उनका एक अलग से एक टीम बनाकर अलग से एक इंजीनियर को नियुक्त करके या उनके ऊपर कोई अधिकारी नियुक्त करके उनका फिर से ग्राउंड लेवल पर एक सर्वे कराया जाए। मेरे साथ ये SDM भी गए थे, तहसीलदार भी गए थे, नायब तहसीलदार भी गए थे, पटवारी भी गए थे, और जिन गाँव में मैं लेकर गया था ये खुद देख कर आए थे कि बिल्कुल पूर्ण क्षतिग्रस्त है, उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। तो प्रमुख समस्या तो यही थी। उसके बाद जो शहर में पूरे ज़िले में कानून व्यवस्था की बात है वो खराब बिगड़ती जा रही है, उसके बारे में बात थी। अभी महगांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान 3 बच्चे चार बच्चे उसमें डूब गए थे, तो उनके परिजनों को आर्थिक सहायता और शासकीय नौकरी को लेकर भी बात थी। एक बगियापुरा में एक घटना हुई है तो दलित परिवारों को स्वस्थ लाइसेंस उपलब्ध कराने की बात थी। ये सब मांगों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने आज ज्ञापन सौंपा है, और अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो हम आगे आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार करेंगे। जो प्रशासनिक जो अमला जिन्होंने लगाया है उन्होंने बड़े पैमाने पर धांधली की है, पैसा ले दे करके, और जो लोग जिन्होंने पैसा दिए 10-10, 20-20 हज़ार रुपये के रुपये घूस ले करके बड़े पैमाने पर धांधली की है, जो लोगों का कुछ नुकसान नहीं हुआ था उनको 1-1 लाख रुपए के सहयोग दिलवाया गया, लेकिन जिन लोगों का सब कुछ नष्ट हो गया, बेचारों के पास खाने तक को नहीं बचा, उनके 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार के चेक दिला करके उनके साथ अन्याय किया है। बहुजन समाज पार्टी आज अनुशासित ढंग से ये मांग कर रही है, आवेदन दे करके, ज्ञापन दे करके महामहिम राज्यपाल के नाम, कि हमारे गरीबों के साथ हर जाति के लोगों के जो सर्व समाज के गरीब लोग हैं उनको वास्तव में जिनका बहुत बड़ा